और चलिए अब हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। पिता का प्यार चेक करने के लिए बेटे ने अपने ही किडनैपिंग की साजिश रच ली। इतना ही नहीं 40 लाख रुपए की बड़ी रकम की भी डिमांड कर दी और साजिश ऐसी कि आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। व्यापारी के बेटे ने रची किडनैपिंग की साजिश, कॉल पर पापा बचा लो कहकर रोने का नाटक। छह दोस्तों संग पापा से मांगी 40 लाख की फिरौती। बिजनेसमैन पापा के प्यार का फैक्ट चेक। जयपुर में एक बिजनेसमैन के नाबालिग बेटे के खुद की किडनैप करने की झूठी कहानी रची गई। शौक पूरे करने के लिए खुद को किडनैप करवा करके दोस्तों से कॉल करवाया और बाकायदा 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर डाली। कॉल करके पापा मुझे बचा लो का नाटक भी किया, लेकिन जब मुआना पुलिस इसे ढूंढने के लिए निकली तो किडनैपर बने हुए दोस्त और किडनैप बच्चा वापस अपने घर लौट आए। दरअसल भरतपुर के रहने वाले बिजनेसमैन ने FIR दर्ज करवाई थी कि उनका 17 साल का बेटा 1 सितंबर की शाम से लापता है। घर नहीं लौटने पर काफी ढूंढा गया, लेकिन उसके बाद भी बेटे का कहीं पता नहीं चला। 1 सितंबर की ही रात करीब 12 बजे एक किडनैपर ने बिजनेसमैन को कॉल किया और कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, 40 लाख की फिरौती नहीं दी तो इसे जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, साजिश इतनी बड़ी थी कि ऐप के जरिए मोबाइल नंबर बदलकर किडनैपर्स बार बार कॉल कर फिरौती के लिए धमकी दे रहे थे। दरअसल बात यहीं खत्म नहीं हुई। किडनैपर्स ने बिजनेसमैन के नाबालिग बेटे से बात तक करवा दी और डरी हुई हालत में नाबालिग बेटे को रोता हुआ ये कहलवाया कि पापा बचा लो। नाबालिग बेटे से किडनैपर्स मारपीट कर रहे थे। किडनैपर्स ने 2 सितंबर को सुबह 11 बजे तक 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। बिजनेसमैन के नाबालिग बेटे का किडनैप कर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगने का पता चलने पर तुरंत पुलिस की टीमों को रवाना किया गया। पुलिस ने किडनैपिंग को लेकर सीसीटीवी फुटेजों को खंगालना शुरू किया। फुटेज में नाबालिग एक कार में बैठता दिखाई दिया जिसे उसने खुद बुक किया था। ये कहानी बिल्कुल फिल्मी नजर आ रही है, लेकिन खबर पक्की है। जब बदमाशों से बच करके छूट कर आने का सवाल पूछा गया नाबालिग से, तो नाबालिग ने जो तर्क दिया वो काफी चौंकाने वाला था। नाबालिग ने कहा कि पापा आप मुझसे कितना प्यार करते हैं ये मैं चेक कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने किडनैपिंग में शामिल 5 दोस्तों को भी पकड़ लिया है जो फिरौती की रकम मिलने पर मौज और शौक पूरा करना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।